और वहाँ से बोला, अब बस एक ही गुजारिश है आप सब लोगों से, जब तक मैं लौट के ना हूँ मस्जिदों को आपके साथ रखिएगा। जी हमें माफ़ कर दीजिएगा, हम बिन बुलाए आपके निकाह में आ गए, वो हम रास्ता भूल गए थे। और ऐसे ही सिलसिला आया, सिलसिला आएगा, हम रास्ता भटक गए थे। ये कुछ तो आया, जमीन हिल रही है, हल्की 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 कंपन सी हो रही है। वहां से बोले, ये रोशनी तो उस शैतानी जिस्म के लिए बुलावा है। जी हम बेसिकली गुफा में घुसे हुए हैं, हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा रास्ता रसल खीमा की तरफ कैसे जाता है। तो हम चलते चलते बस एक गुफा में पहुंच गए जहाँ किसी का निकाह हो रहा है, और वहाँ लोग छुप कर से निकाह कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों ऐसे छुप छुप चाप सब निकाह कर रहे हैं, उसका रीज़न आपको जानने के लिए अलीबाबा जाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आप अली की और मुसीबत को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, उनके पीछे जा रहे हैं कहीं उसको लेकर। जी बिल्कुल, अगर हम देखेंगे सीरियल्स में ये पूरा ट्विस्ट टर्न्स ड्रामा ना हो तो फिर वो सीरियल का मजा ही क्या। तो बेसिकली देखा जाए तो अली के लिए हर चीज़ मैं ही, मतलब मुसीबत मैं ही खड़ी करती हूँ, और बस अली उस तो उसे पार करते जाते हैं, हमारी टेक केयर करते हैं, हम भी उनकी टेक केयर करते हैं थोड़ी थोड़ी, और चल रहे हैं हम आगे। अब देखते हैं क्या ट्विस्ट टर्न्स आने वाला है। ओके, मुसीबत तो बढ़ा ही रही है लेकिन कहीं ना कहीं अली की तरफ से एक बहुत ही क्यूट मतलब नज़र। जी बिल्कुल, इट्स अ वेरी, मतलब अगर मैं इस चीज़ में व्यूवर होती तो मुझे भी बड़ा मज़ा आता है ये सब देखने में। और मैं आपको एक राज की बात बता सकती हूँ कि आगे जाके बहुत क्यूट क्यूट सीन्स भी आए हैं जो मैंने रीड किए हैं, आपको भी देखने मिलेंगे और बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू। अभी तक तो हम ठीक, पर इनके चेहरों पे खौफ देखकर क्या हुआ आप सबको? आप सब इतने घबराए हुए क्यों? वो आ रहा है, वो आ रहा है, हम उसे जैन को ले जाने नहीं दे सकते, किसी भी कीमत पर नहीं दे सकते, शहजादा ने बोला। अब क्या होगा जैन? ऐसा कौन सा खतरा है जो यहाँ आने वाला है? ये जमीन हिलने लगी, जमीन हिलने लगी, जमीन हिलने लगी, पता नहीं क्या हो रहा है, घोड़े के पैरों की आवाज आ रही है, पैरों की आवाज आ रही है। अली तो अपने मशाल क्यों जलाए? तुम्हारी वजह से शैतानी जिसमें मेरे शोहर को ले गई। छोड़ो मेरी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें। वो शैतानी जिस्म है, अगर मशाल नहीं जलाते ना तुम लोग तो वो शैतानी जिस्म हम तक कभी भी नहीं पहुंच पाता, और तुम लोगों की वजह से वो मेरे बेटे को भी उठा कर ले गया। या खुदा, किसी बाप को ये दिल न देखना पड़े। आग लेके आ गए यहाँ पे मदीना के पास में, आग लगाने वाले थे इतने में यहाँ से बिना ही रुक जाइए। ये भी तो किसी के बच्चे हैं, और जो तकलीफ मैं महसूस कर रही हूँ। मर्जीना यही आप लोगों के साथ रहेगी। नहीं अली, ये मुसीबत हमारी वजह से आई है, पर इसे खत्म करने में हम आपके साथ चलेंगे।